नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्स्टन टेक्सटाइल्स की। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। और काफ़ी दिन से लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है, किस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव हैं सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस कि वीडियो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे और आप सच में बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता और कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, 85 पैसे पे क्लोजिंग भी है, 4.5% डाउन लोअर सर्किट पे रहा ये। ओपन हुआ था 85 पैसे पे, हाई लगाया 85, लो लगाया 85, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है। ESM की स्टेज वन में है, आपको पता है ESM की स्टेज वन में होने का मतलब है कि इसका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, और जहाँ पर ये स्थिति आपको दिखे वहाँ पर आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ESM की स्टेज टू में आएगा तो फिर वहाँ पर आपको पीरियोडिक कॉल ऑप्शन शुरू हो जाएगा और वहाँ पर शेयर को बेच कर निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर अच्छे खासे शेयर्स को बेचा है। यहाँ पर 5,24,00,000 शेयर्स को यहाँ पर डिस्पोज किया है, जो कि लगभग 4.11% स्टेक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एक्सचेंज में जो रिपोर्ट किया है 17 फरवरी को रिपोर्ट किया है इन्होंने, और अब जो इनके पास बचा हुआ मामला वो फिलहाल इतनी क्वांटिटी यहाँ पर बची है, जो कि 7.85% स्टेक है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अवेल फाइनेंशियल से देखिए, ये तो प्रमोटर्स हैं, आप देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है, इनके पास 2%, इनके पास 2%, इनके पास 2%, इनके पास 2%। अब इनके पास अभी ये डिस्पोजल से पहले लगभग 12% थे, ठीक है, और लगभग 15,25,00,000 शेयर थे। अब इन्होंने लगभग बेच दिए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिस्पोज किए हैं 5,24,00,000, तो अभी यहाँ पर इतने 10 करोड़ के आसपास इनके पास शेयर बचे हैं, और ये डिस्पोज किए हैं 17 फरवरी 2024 को। देखिए ये तो जो डील हुई है, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो इन्होंने बेचा है मामला, ये तो आपने देखा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर किस तरीके से अभी 21 फरवरी को, अभी आज का डाटा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक अपडेट नहीं था 22 फरवरी का, लेकिन 21 फरवरी को ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परचेज किया जाता है। और इन तीनों के नाम जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, जो लगातार वीडियो मेरे देखते रहते हैं रोज़, उनको ये जरूर इनके नाम जरूर बताऊँगे ये, और ये आपको हर पेनी स्टॉक्स में मिलेंगे, ये किस तरीके से खेल करते हैं चाहे, और यहाँ पर देखेंगे आप सारी चीज़ें, चाहे टॉप गेन हो, मल्टीप्लायर तो खैर जानते हैं, अक्षिता कॉटन वाले हैं ये भी, और सारे। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे 21 फरवरी को यहाँ पर आपको लगातार परचे, फिर उसके बाद 21 फरवरी को निकल जाते हैं ये लोग, फिर उसके बाद 16 फरवरी को देखिए एक्टिव हुए थे, और नीचे आप लगातार देखेंगे फरवरी महीने में लगभग लग रहे हैं, फिर उससे पहले जनवरी में आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम को जंप करते हैं और आप लोगों को इसी तरीके से ट्रैप करते हैं। मार्केट कैप देख पा रहे हैं 108 करोड़ का है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। स्टॉक का पी आपको 15 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री का पी 40 है, इसके हिसाब से अभी आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। फिलहाल ROE, ROCE और ROE दोनों बहुत ख़राब है। प्रमोटर 7.97%, लगभग 8% के आसपास हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेट नहीं है बिल्कुल, 70 लाख का डेट है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल डेट फ्री आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी हैं इनके पास। इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है 0.73 और अभी करंट प्राइस 0.85, लेकिन बुक वैल्यू से आप देख पा रहे हैं, बुक वैल्यू से भी नीचे ही है फिलहाल, 1.18 रुपये का है। हाई और लो की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 54 पैसे का लो लगा, 1.58 रुपये का हाई लगा, और यहाँ से लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी आप देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगी। देखिए ये कुछ नंबर्स भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स देखिए, दिसंबर में 0, सितंबर में 0, उससे पहले 4.85 करोड़, उससे पहले 0, तो आप देख रहे हैं कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1,10,00,000 यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, 1,47,00,000। पिछले क्वार्टर में दिसंबर वाले में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अगर आप अदर इनकम पे नज़र डालेंगे तो ये जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, ये अदर इनकम से है, जो कंपनी का रेगुलर बिजनेस है वहाँ से फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। बात करेंगे हम लोग रिटर्न की, तो यहाँ पर ईयर टू डेट पे देखेंगे 26% माइनस, एक वीक में 17% माइनस, एक महीने में 37-38% मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए, मोटा क्या लगभग वही है माइनस। 3 महीने में 44% रिटर्न अभी भी प्लस में है, 6 महीने में 23% रिटर्न, 1 साल में 33% माइनस में रिटर्न दे रखे हैं। वॉल्यूम देखिए, लगातार आपको गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है। 1 वीक का एवरेज 4 करोड़ का है, 1 मंथ का एवरेज 1 करोड़ का, और अभी देखिए फिलहाल आपको 75 लाख के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर ऑपरेटर धीरे धीरे निकल चुके हैं। हम ये देखिए, ये कोई जो जिन लोगों ने यहाँ कहीं भी लिया होगा वो सब के सब ट्रैप हुए हैं यहाँ पर, 100% मैं बता रहा हूँ। इस हिसाब से यहाँ पर आपको लोअर सर्किट लगातार देखने को मिल रहा है, निकल पाना बहुत ही मुश्किल
होता है ऐसे स्टॉक्स में, तो आप बहुत बुरा फंस जाते हैं। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर RSI देखिए आप 15.44 देखने को मिला, ओवरसोल्ड जोन में लगभग लगभग के ऑलमोस्ट से भी ज़्यादा बहुत नीचे है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको 75 पैसे के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मेरी भैया कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस तरह के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की। मैं कभी भी अपने कभी भी किसी वीडियो में पहले वीडियो से थ्रू आउट माई फर्स्ट वीडियो में कभी भी आपको खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूँ, खासतौर से पेन स्टॉक्स। और आपका बहुत ज़्यादा मन करता है कि भैया मुझे खरीदना ही, पेन स्टॉक सस्ता मिल रहा है यहाँ से तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है। तो वहाँ पर आप भैया उतना ही पैसा लगाएं जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। बाकी अब ये देख सकते हैं कितने टाइम तक यहाँ पर 65 से 75 पैसे के बीच में लगभग ये घूमता रहा है, 55 से 75 पैसे के बीच में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी फिर नीचे आके फिर इसी में कितने टाइम तक पड़ा रहेगा, इतने टाइम तक आपका धैर्य जवाब दे तो अच्छी बात है। आप रखिए, कभी ना कभी हो सकता चल जाए या हो सकता पड़े ही ना है। जैसे शेल प्रो देख लीजिए, वहाँ पर 50 से 55 पैसे तक कितने टाइम तक पड़ा रहा, ठीक है। फिर अभी थोड़ा सा मोमेंट आया, कुछ आया, फिर उसके बाद फिर वहीं से नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रख कर ही इसमें पैसा लगाना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पेनी स्टॉक्स में अपनी पूरी कैपिटल का 4 से 5% से पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। तो चलिए गया, ऐसा करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और गाइज, आम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।